वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, दो दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और लगातार अपलोड करती हूँ दोस्तों, बीच में एक दो दिन गैप हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचिएगा मत। मैं रेगुलर बनी रही बनूँगी, हमेशा डेली बेसिस पे आपको वीडियोज आएंगे। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी TRE3 का जो एग्ज़ाम है, प्राइमरी एंड जो जूनियर का, जो आप जान ही रहे हैं, जो धांधली हुआ है उसके चलते डिले हो गया, और यह एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के बाद ही लगता है कि होगा, बट आप प्रिपरेशन करते रहिए। और लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में भी, एमपी में भी, अदर स्टेट और जगहों पर भी वैकेंसीज आएंगी, जैसे यूपी TGT PGT अभी डिले है, यूपी अल्टीग्रेट 2018 के बाद अभी तक नहीं आया है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। और बीपीएससी TRE4 भी होगा, तो डेली बेसिस आप प्रैक्टिस करते रहिए और हर एक स्टेट का फॉर्म अप्लाई जरूर करिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस हैं, यह 2023-24 के ऑल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए यह 19वां वीडियो है, तो 50 MCQs है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप एग्जाम देते हैं तो आपको लगता ही होगा कि सभी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आते हैं, तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है रसल का। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है, यह विचार किसका है? तो प्लेटो का। प्लेटो का कहना है कि वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है। आदर्शवाद आइडियोलॉजी के प्रवर्तक हैं प्लेटो, व्यक्तिवाद यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं अरस्तु, प्रयोगवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटेज में व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, एंड प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं रूसो। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यथार्थ के स्वरूप को ढूंढने का तर्कसंगत प्रयास ही दर्शन है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यथार्थ के स्वरूप को ढूंढने का तर्क संगत प्रयास ही क्या है? दर्शन है। ये बात कही है डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट दोस्तों, 5 गामक युक्ताओं का योग, जो कि क्रमशः है ताकत यानी स्ट्रेंथ, चाल यानी स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, समन्वय युक्ता, यह क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपको मैं फिजिकल फिटनेस के बारे में बताई हूँ, तो यहाँ पे सारी दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस कहलाएगा। फिजिकल फिटनेस को 2 भागों में बांटा गया है, एक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आता है। इन सभी के बारे में आप स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले वीडियोज प्लेलिस्ट में जाइए और सभी थ्योरी सेशन वहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाएगी तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल, यानी टेक्निकल स्किल के द्वारा ही खेल प्रदर्शन में विकास हो सकता है। गामक क्रियाएं, गामक क्रियाओं की बात कहा है तो हमेशा आपके मांसपेशियों में एक्टिविटीज की बात होगा। नेक्स्ट है, कुछ तत्व क्रमशः प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान युक्तिपूर्ण कौशल एवं युक्तिपूर्ण योग्यता है, यह के प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है युक्तिपूर्ण क्षमता। नेक्स्ट है, खिलाड़ी का प्रदर्शन कुछ सीमा तक उपरोक्त तीन कारकों के साथ साथ शरीर रचना एवं शरीर की योग्यता पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया शिक्षा या व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। यानी कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कहता है, आपकी योग्यता कैसा है, तो यह आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की विकास कर रहा है। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य खिलाड़ी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जानते हैं आप, खेल मनोविज्ञान में पर्सनालिटी यानी कि सभी बॉडी टाइप्स एंड पर्सनालिटी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे मनोविज्ञान से संबंधित बात है। तो खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य खिलाड़ी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यह प्रक्रिया कहलाती है खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्य। दोस्तों सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ फालतू के नहीं होते हैं, सिर्फ आपके एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, टाइम पास यहाँ पे नहीं होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी की दिनचर्या नियमित की जाए। यह प्रक्रिया कौन सी है? यह प्रक्रिया है दिनचर्या नियंत्रण, यानी जो आपके डेली रूटीन है। किसी भी खेल ट्रेनिंग की सफलता हो, चाहे आपकी किसी भी फील्ड में सफलता हो, आपके डेली रूटीन क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आपका डेली का प्लानिंग होता है और डेली बेसिस उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, ये चीज आपके सफलता की बहुत बड़ी माने रखता है। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध नियमित तथा मूल्यांकित किया जाता है। यह सिद्धांत कहलाता है, यह भी सिद्धांत कहलाएगा दैनिक दिनचर्या नियंत्रण। एक योजनाबद्ध तरीके से कहा जाता है, तो योजनाबद्ध तरीके से डेली बेसिस उसको फॉलो किया जाता है, तो यह दैनिक दिनचर्या नियंत्रण कहलाएगा। नेक्स्ट है, नौसिखिया या न्यू प्लेयर्स एवं एडवांस खिलाड़ियों की प्रशिक्षण में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों एवं सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यह कौन सी प्रशिक्षण कहलाता है? तो यह प्रशिक्षण जो है वैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी कि साइंटिफिक ट्रेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण का मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन योजनाबद्धता क्रमबद्धता एवं अनुप्रयोग या एप्लीकेशन खेल प्रशिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह एक नेता यानी लीडर के रूप में कार्य कर रहा है इन सभी चीज़ों के लिए। तो यह खेल प्रशिक्षक नेता के रूप में यानी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स एज ए लीडर के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, योग वह पुरातन पथ है। योग की परिभाषा जरूर पूछा जाता है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। मैंने योग के बारे में सभी चीजें डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों, जितना मैंने योग के बारे में बता दिया है उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। तो मेरे योग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी योग के, चाहे आपका शुद्धि क्रिया हो, प्राणायाम हो, अष्टांग योग हो, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं और योग हमें इसी भक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है योगी रामचरक का। नेक्स्ट है, योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है।
तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। निम्न विचार योग के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। तो यह विचार है, वेदों में ऐसा कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की वह प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताया जाता है। यह परिभाषा योग की किसका है दोस्तों? तो यह ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा यह बात कहा गया है। नेक्स्ट है, परम देव के साथ एकात्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा इसे प्राप्त करना ही सब योगों का स्वरूप है, यह कथन किसका है? यह श्री अरविंद ने कहा है। नेक्स्ट है, जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग कहलाता है, यह बात किसने कहा है? तो दोस्तों, यह इस बात को कहा है, जैनाचार्यों के अनुसार है कि जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है वही योग कहलाता है। जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म करने का, योग कर्म सुकौशलम यानी कर्म करने की कुशलता ही योग है। नेक्स्ट है, अनुकूलता प्रतिकूलता सफलता विफलता यश अपयश जय पराजय सिद्धि असिद्धि समस्त भाषाओं में आत्मस्थ रहते हुए स्थिर रहना ही योग है। तो दोस्तों, आप भगवद गीता पढ़े होंगे तो जस्ट आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, जैसे कि योगेश्वर श्री कृष्ण का ये बात कहना है कि चाहे सुख हो दुख हो यश हो अपयश हो सफलता हो चाहे असफलता हो चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि समस्त चीज़ों में समभाव रहना आनंदित होना ही योग है, इस बात को कहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। इस चीज़ को अपने जीवन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इंद्रियों की स्थिति को ही योग माना गया है, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है। योग का अर्थ प्रभाव तथा शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति एवं शुद्ध अशुद्ध का विनाश है, यह कथन किसका है? तो यह कठोपनिषद में कहा गया है। और महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि आपके चित्त वृत्ति चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का शून्य काल कहा जाता है? तो इसको महाकाव्य काल को कहा जाता है। जब वर्ल्ड लेवल पर पूछेगा तो यूनान में शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल, तो एथेंस काल यानी एथेंस में भी पूरे एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस काल में हिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जैन एंड बौद्ध काल में। नेक्स्ट है, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि में किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की? तो दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही है। इसमें 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए योग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और योग के सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल यानी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार से संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पे शारीरिक विकास, व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास, वर्धनीय विकास, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा।
नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन क्या है। तो इसका दर्शन है उपयोगितावाद यानी कि प्रयोगवाद, व्यवहारवाद। दोस्तों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ढूंढिएगा, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बट राइट ही है। मुझे अंदर से लग रहा है कि ऑडियो में जो आदर्शवाद होना चाहिए, लेकिन भाई शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, इसमें प्रयोग एंड रिसर्च होना चाहिए, तो उपयोगितावाद यानी व्यवहारवाद या प्रयोगवाद ही राइट होगा। कार्यक्रमों की बात कहा है तो यहाँ पे प्रयोगवाद राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मशाल को एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक लाने की प्रथा शुरू किया था। तो इस प्रथा को शुरू किया था कार्ल डाइम ने। सबसे पहले मशाल जलाया गया था 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम में, लेकिन आधिकारिक रूप से 1936 बर्लिन जर्मनी में जलाया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज की बनावट निम्न में से किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज की बनावट जो है बिना किनारों वाली सफेद पृष्ठभूमि होती है और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक यानी कि मोटो होता है। ओलंपिक प्रतीक यानी पांच छल्ले होते हैं जिसमें पांच रंगों के छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल होता है, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, हरा काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। एक ये पांचों छल्ले पांच महाद्वीपों के प्रतीक हैं और दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ओलंपिक मोटो आदर्श वाक्य होता है सीटियस, आरटियस, फोर्टियस और चौथा अब जुड़ गया है कम्युनिटर। इसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर एंड टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। ओलंपिक ध्वज की रचना 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने किया था और ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेले गए थे। तो 1896 में एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में खेला गया था। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों सारे प्रतिभागी महिलाएं थी, गलत है, क्योंकि महिलाओं को ओलंपिक में शामिल 1900 में किया गया था पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा। और सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक थे, ये भी बात नहीं है, सभी देशों के थे। और सारे प्रतिभागी रोमन थे, ये भी गलत है। यहाँ पे सही होगा सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे, क्योंकि महिलाओं को शामिल किया ही नहीं गया था, महिलाओं को शामिल किया गया है 1900 फ्रांस में। नेक्स्ट है ओलंपिया में खेले गए ओलंपिक खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं पृथक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई थी। तो दोस्तों जीएस की पत्नी देवी हेरा के सम्मान में, जिसे हेरा का उत्सव भी ये सब मनाती थी। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ है। दोस्तों ऐसे तो एथलीट का अर्थ होता है प्रतियोगिता, एंड ग्रीक भाषा में इसका अर्थ पुरस्कार का आकांक्षी भी होता है, एस्पिरेशन ऑफ अवार्ड। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर प्रतियोगिता देगा तो प्रतियोगिता राइट होगा, वहां पे प्रतियोगिता न देकर के पुरस्कार का आकांक्षी यानी एस्पिरेशन ऑफ अवार्ड देगा तो राइट होगा। नेक्स्ट है किस ओलंपिक खेलों में यह पता लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है। दोस्तों डोपिंग का पहला केस मिला था 1960 रोम ओलंपिक में, और उसमें डेनमार्क का रोड साइक्लिस्ट जो था न्यूड इनमार्क जॉनसन, जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया और वह रोनिकल और एम्फिटामाइन नामक दवा ले रखा था जो सहनशीलता को बढ़ाती है, और अधिक ले लिया था और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद वह मर गया। नेक्स्ट है, और दोस्तों प्रथम बार केस मिला 1960 रोम ओलंपिक में, लेकिन प्रथम बार डोप टेस्ट हुआ 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में, जिसमें स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर लिलिंजेवाल
पॉजिटिव पाए गए थे। नेक्स्ट है स्टेनोजोल नामक जिस औषधि का कनाडा के खिलाड़ी वेन जॉनसन ने 1988 के ओलंपिक खेलों में दुरुपयोग किया था वह था, तो दोस्तों वह एनाबोलिक स्टेरॉयड था, जो स्टेनोजोल था वो एनाबोलिक स्टेरॉयड था जो मसल्स स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। एनाबोलिक स्टेरॉयड जो खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है एनाबोलिक स्टेरॉयड, और एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है। AAS का मतलब होता है एनाबोलिक एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी मस्कुलिनिंग, एंड एनाबोलिक स्टेरॉयड का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण, यानी यह पेशियों की ताकत व सहनशीलता में वृद्धि कर देता है, और यह पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है, और इसके अंतर्गत जब महिलाओं द्वारा इसका सेवन करने से पुरुष तत्व के गुण आ जाते हैं जैसे कि आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ आ जाना, एंड इसके अंतर्गत आता है नेड्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिथेनोलोन आदि आते हैं। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन OBLA रक्त में दुग्ध लवण के संचयन का आक्रमण का एक नाम यह भी है, तो दोस्तों इसका नाम है वात निरपेक्ष अवसीमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक स्वापक यानी कि नार्कोटिक है, तो दोस्तों नार्कोटिक क्या होता है, इसका जो निर्माण है दर्द नशीली दवाएं होती हैं और दर्द निवारक होता है नार्कोटिक, पेन किलर होता है, तो यह ऑफिम यानी पॉपी नामक पौधे से निकले हुए ओपियम यानी कि ऑफिम से तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑफिम यानी पॉपी पौधों से तैयार किया जाता है नार्कोटिक यानी स्वाप। और यह जो नशीली दवा नार्कोटिक है यह औषधि सबसे ज़्यादा दर्द निवारक प्रभाव पेन किलिंग इफेक्ट छोड़ती है, और यह नार्कोटिक जो है एथलीट के चोटों से उत्पन्न दर्द को कम या समाप्त करने के लिए प्रयोग होता है, उन खेलों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है जिसमें दर्द होने की संभावना ज़्यादा होती है जैसे भारोत्तोलन एंड मुक्केबाजी। यह एर्गोजेनिक दुर्ग नहीं माना जाता है, दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है कि किसको डोपिंग के अंतर्गत एर्गोजेनिक दुर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाता है, तो वो होता है नार्कोटिक्स, और फिर भी इसका प्रयोग ज़्यादा हानिकारक होता है जैसे कि भारोत्तोलन में दवा लेने वाले नार्कोटिक्स लेने के पश्चात क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयास किया जाता है जिससे इसकी पेशियाँ जो है टूट जाती हैं शरीर की, क्योंकि आवश्यकता से अधिक शरीर को तो पता ही नहीं चलता कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो आवश्यकता से अधिक उठा लेता है और ऐसी चोट को पेशियाँ टूट जाती हैं, ऐसे चोट को करियर एंडिंग इंजरी कहा जाता है। और 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु नार्कोटिक्स लेने से ही हुआ था, और दोस्तों नार्कोटिक्स के अंतर्गत मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेरिडाइन आता है। नेक्स्ट है हृदय की गति को इस रूप में परिभाषित किया जाता है, दोस्तों जो हमारा हार्ट बीट होता है, हृदय की गति होता है, धड़कन होता है, हमारे जो हृदय प्रति मिनट जितना सिकुड़ती है पंप करती है रक्त को, तो प्रति मिनट हृदय के सिकुड़न यानी कि सिस्टोलिक की संख्या को कहा जाता है हृदय की गति। ठीक है, जैसा कि आप पढ़े होंगे कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक की जो प्रक्रिया होती है जब जब हमारा हृदय धड़कन होता है, हार्ट बीट होता है, लब डब की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे कि हमारी हृदय में चार दरवाजे होते हैं, कपाट होते हैं, जिसे ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड, पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व, जब ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व बंद होता है तो लब ध्वनि सुनाई देती है, और जब पल्मोनरी एंड एरोटिक वाल्व बंद होता है तो डब ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है
भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस तरफ होती है? जब आप भारी एक्सरसाइज करते हैं तो जो रक्त प्रवाह होता है वो स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल मांसपेशियों की तरफ होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रक्त द्वारा ले जाया जाता है? तो रक्त एंजाइम्स भी रक्त के द्वारा हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन भी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और हार्मोन्स भी, ये सभी चीजें रक्त द्वारा ले जाया जाता है। जो भी चीज हम लेते हैं सब रक्त के द्वारा ही शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, प्रतिरोध कार्य विशेषकर हैवी वेट प्रशिक्षण के बाद पेशी मात्रक की वृद्धि को क्या कहते हैं? दोस्तों, अधिक एक्सरसाइज एंड भारी व्यायाम के कारण जो हमारे मसल्स में वृद्धि होती है उसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपर का मतलब हमेशा ज़्यादा होता है और हाइपो का मतलब हमेशा कम होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मांसपेशियों का प्रतिदिन व्यायाम या भारी व्यायाम के कारण वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि यहाँ पे वो शब्द नहीं दिया है, तो यहाँ पे अतिवृद्धि यानी ओवर ग्रोथ होगा, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगा। और जब कहेगा कि मांसपेशियाँ नियमित व्यायाम न करने के कारण मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं या एक अनुवांशिक बीमारी होती है जिससे मांसपेशियाँ कमजोर होती है, तो उसको हम मस्कुलर ऑटोट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट है, एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे प्रभाव करते हैं। अभी जस्ट में बताई हूँ, एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है सीधे मांसपेशियों पर असर डालती है, मांसपेशियों की शक्ति और सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देती है। नेक्स्ट दोस्तों, FIMS का पूरा नाम क्या है? तो FIMS का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं दिया है, यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव होगा दोस्तों, डी मेडिसिन टू स्पोर्ट नहीं होगा, डी मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट है, उपास्थि यानी कार्टिलेज जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जो हमारे अस्थियों के जोड़ होते हैं वहाँ पे गद्दे नुमा एक, जैसे कि आपको बाइक हो गया एंड वाहनों में शॉकर का काम करता है रबड़ जैसे, तो उसी तरह हमारे जो जोड़ होते हैं और जोड़ों पर, जो अस्थियों के जोड़ों पर एक गद्दे नुमा संरचना होती है जो अधिक बल पड़ने पर दबाव को, जो दबाव होता है बाहरी उसे हमको रक्षा करती है, उसे उपास्थि या कार्टिलेज कहा जाता है। और जैसे अस्थियां कठोर होती है, उपास्थि लचीलापन मतलब कोमल होता है, तो उपास्थि जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती है वह क्या कही जाती है? तो यह कहा जाता है परभाषी उपास्थि यानी कि ट्रांसल्यूसेंट कार्टिलेज। अब कार्टिलेज यानी उपास्थि तीन प्रकार का होता है, इलास्टिक, फाइबर एंड हाइलाइन। लंबी अस्थियों में हाइलाइन उपास्थि पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में लंबी अस्थियां का कार्य क्या है? तो दोस्तों, लंबी अस्थियां उत्तोलक के रूप में कार्य करती है यानी हमें गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है, टार्सल बोन यानी टखना और उसके ऊपरी भाग की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? तो टार्सल बोन, कार्पल बोन, ये शॉर्ट बोन के अंतर्गत आएंगे और शॉर्ट बोन जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है, सिनोवियल ज्वाइंट एक ऐसी झिल्ली वाला जोड़ होता है जो हड्डियों के बीच तरल पदार्थ रखती है और जिसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है, इसका एग्जाम्पल है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा जो दो हड्डियों के बीच जोड़ होता है उसमें बीच में लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं, जो शरीर को लुब्रिकेट यानी हड्डियों को लुब्रिकेट प्रदान करता है, हड्डियों को आपस में घिसने नहीं देता और जिससे हमें अच्छे से गति करने में संभव हो पाता है। इसकी कमी हो जाती है तो गठिया रोग यानी कि हड्डियां आपस में टकराने की आवाज़, कट कट की आवाज़ सुनाई देता है। तो जो हमारे ज्वाइंट होते हैं तीन प्रकार की होती हैं, चल, अचल और अर्धचल संधि। तो यह हमारे सिनोवियल ज्वाइंट जो है चल संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, ये सभी सिनोवियल ज्वाइंट यानी चल संधि के एग्जाम्पल है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा।
नेक्स्ट है, किस प्रकार की मांसपेशियां लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं। दोस्तों मांसपेशी फाइबर यानी तंतु दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर जो होता है वह फास्ट ट्विस्ट यानी जल्दी जल्दी संकुचित होता है, जो स्ट्रेंथ और हाई इंटेंसिटी यानी कम अवधि की क्रियाओं के लिए ज़्यादा काम आता है एंड यानी कि अन एरोबिक क्रियाओं के लिए। और जो रेड मसल फाइबर होता है, लाल तंतु, वह धीरे धीरे संकुचित होता है, जो लंबी अवधि यानी सहनशीलता वाले कार्यों में यूज ज़्यादा होता है, काम करता है, और यानी कि एरोबिक क्रियाओं में ज़्यादा काम करता है और थकान से बचाती है। तो यहाँ पे मंद ऐठन वाली यानी कि मीट स्पाजम वाली जो मसल्स तंतु होती हैं काम करती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, जिन पेशियों के कारण संधियां मुड़ जाती हैं यानी ज्वाइंट्स जो होता है मुड़ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दो क्रियाएं होती हैं पेशियों में, कंट्रक्शन और यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो जो मुड़ती है, मुड़ेंगे तो क्या होगा, कोर कम होगा। ये क्वेश्चन BPSC TRE 2 में पूछा हुआ था, जब कोर कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे फ्लेक्शन जब होगा तो क्या होगा, मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो उसे कंट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आकुंचली पेशियाँ कहा जाएगा, मुड़ती हैं तो जब फैलती हैं तो उसको प्रसारी पेशियाँ कहा जाता है, एक्सटेंशन मसल्स। ठीक है, फ्लेक्सर मसल एक्सटेंशन मसल्स होती हैं, एक कोर को कम करती हैं और दूसरी कोर को ज्यादा करती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, बल उत्पादन लेकिन तंतु प्रवर्धन प्रवर्धन का एक अन्य नाम यह भी है। यहाँ पे तंतु प्रवर्धन यानी कि मांसपेशियों की लंबाई कम होने की बात कह रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है प्रवर्धन, यहाँ पे कम होने का अर्थ लगाया गया है। अगर ज्यादा होने का, जैसे कि आप स्ट्रेंथ डेवलप करने की तीन विधियां होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक जो होता है सेम लंबाई होता है, मांसपेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, तनाव बना रहता है। और जो आइसोटोनिक होता है सेम तनाव होता है, मांसपेशियों की लंबाई घटती है बढ़ती दोनों है। यानी कि जैसे डंबल अभ्यास करते हैं तो जब ऊपर की तरफ लाते हैं मांसपेशियों की लंबाई कम होती है। यानी कि जो आइसोटोनिक होता है दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक कंट्रक्शन। तो जब डंबल्स को ऊपर की तरफ लाते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई कम होती है, जिसे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं। जब वापस लाते हैं डंबल्स को नीचे की तरफ तो मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है, जिसे इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मांसपेशियों की लंबाई को घटने की बात कहा है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा उत्केंद्री पृष्ठ यानी कि कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। अब बढ़ने की बात करेगा तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है काइफोसिस, एक अन्य नाम यह भी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक आसन को देखेगा, यहाँ अवतल पृष्ठ यानी कॉन्केव प्लेन यानी कॉन्केव कैसा होता है, अवतल होता है, धसा हुआ। तो ये आपका ऐसा नहीं होता है, काइफोसिस इस प्रकार का होता है और धसा हुआ ये तो लार्डोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क वाला लार्डोसिस का एग्जाम्पल है। पार्श्व पृष्ठ, यह पार्श्व लेटरल डिविजन ऑफ स्पाइन, ये स्कोलियोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। पृष्ठ कर्व, कर्व हो जाना, एक गड्ढा हो जाना, वो भी आपका है लार्डोसिस का एग्जाम्पल। यहाँ पे गोल पृष्ठ यानी कि इस प्रकार का गोल पृष्ठ हो जाएगा आपका राउंड प्लेन काइफोसिस का एग्जाम्पल। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करिएगा, थोड़ा आपको आंसर आ जाएगा। काइफोसिस को हंच बैक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों पार्श्व कुब्जता तो स्कोलियोसिस को कहा जाता है, अग्र कुब्जता लार्डोसिस को कहा जाता है। तो यहाँ पे कुबड़ापन को काइफोसिस भी कहा जाता है एंड गोल पृष्ठ भी कहा जाता है एंड हंच बैक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।